मूवी के स्टार्ट में हम कैसी नाम की एक लड़की को अपने बैंड द लॉयल्स के साथ एक बार में परफॉर्म करते देखते हैं। कैसी को सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है और उसका ड्रीम है कि वो एक सक्सेसफुल सिंगर बनना चाहती है, लेकिन आज तक कैसी या उसके बैंड को ऐसी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जिससे कैसी अपना ड्रीम पूरा कर सके। इसलिए अपना रोज का खर्चा निकालने के लिए कैसी एक बार में एज अ वेट्रेस काम करती है और कभी कभी बार के ओनर से रिक्वेस्ट करके अपने बैंड के साथ उस बार में परफॉर्म भी करती है। एक दिन कैसी के बार में कुछ न्यूली रिक्रूटेड आर्मी ऑफिसर्स आते हैं। कैसी उनको देख के थोड़ा इरिटेट हो जाती है क्योंकि कैसी को आर्मी मैन पसंद नहीं है, लेकिन तभी कैसी नोटिस करती है कि उन आर्मी मैन के बीच कैसी का पुराना दोस्त फ्रैंकी भी है। कैसी और फ्रैंकी एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और अपनी पुरानी मेमोरीज याद करते हैं। फ्रैंकी अपने फेलो आर्मी मैन से कैसी को इंट्रोड्यूस करता है तो उनमें से एक शॉवनिस्ट टाइप सोल्जर कैसी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कैसी पर एक चीप कमेंट पास करता है जिस वजह से कैसी गुस्सा हो जाती है। कैसी की फ्रेंड नोरा उन ऑफिसर्स को बताती है कि कैसी को आर्मी मैन अच्छे नहीं लगते हैं और उसकी एक नो सोल्जर डेटिंग पॉलिसी है। उन सोल्जर्स में एक लड़का होता है ल्यूक, जो कि फ्रैंकी का अच्छा दोस्त होता है। ल्यूक कैसी के पास जाके उससे उस दूसरे सोल्जर के चीप कमेंट के लिए माफ़ी मांगता है। वो कैसी को ये भी समझाने की कोशिश करता है कि कैसी को भी आर्मी मैन से इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए, अगर आर्मी मैन नहीं होंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा। ल्यूक की बातों से कैसी और भी इरिटेट हो जाती है और उसको इग्नोर करती है। तभी कैसी के फ़ोन में एक अलार्म बजता है और वो कुछ देर के लिए बाहर अपनी कार में जाके बैठ जाती है और ख़ुद को इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाती है। हमें पता चलता है कि कैसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिस वजह से कैसी को अपना खर्चा उठाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी ज़्यादातर सैलरी उसके मेडिकल बिल्स में ही निकल जाती है। कैसी की लास्ट इंसुलिन बॉटल ख़त्म होने वाली होती है, इसलिए वो नेक्स्ट डे एक मेडिकल स्टोर में जाती है, लेकिन कैसी की इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट इंसुलिन बॉटल के लिए 4 दिन और वेट करना पड़ेगा। कैसी उस मेडिकल स्टोर की कैशियर से रिक्वेस्ट करती है कि वो 4 दिन तक वेट नहीं कर पाएगी, अगर उसको टाइम पर इंसुलिन नहीं मिली तो वो मर भी सकती है। पर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अगर कैसी को वो दवाई अभी चाहिए तो उसको अलग से पेमेंट करनी होगी, पर कैसी के पास इतने पैसे होते ही नहीं। तभी कैसी की मॉम वहाँ पर आती हैं और कैसी को ज़बरदस्ती कुछ पैसे देती हैं, पर वो पैसे भी कम पड़ते हैं और कैसी को अपनी दवाई नहीं मिल पाती। इसके बाद कैसी अपनी मॉम के साथ अपने छोटे से किराए के घर में जाती है तो उसकी मॉम को पता चलता है कि कैसी ने काफ़ी महीनों से अपने घर का रेंट भी पे नहीं किया है। कैसी कहती है कि उसकी सारी सैलरी उसके मेडिकल बिल्स में ही चली जाती है और कभी कभी उसके पास रेंट पे करने के लिए पैसे ही नहीं बचते, पर वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके अपना रेंट पे कर देगी। उसकी मॉम उसको अपने साथ रहने का ऑफर देती हैं, एटलीस्ट दिस वे कैसी के रेंट के पैसे तो बचेंगे, पर कैसी उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती है। कैसी को ये भी पता है कि उसकी मॉम के अपने फाइनेंशियल इश्यूज हैं और कैसी उन पर बोझ नहीं बनना चाहती है। नेक्स्ट डे जब कैसी अपने बैंड के साथ परफॉर्म कर रही होती है तो इंसुलिन इंजेक्शन ना मिलने के कारण कैसी बहुत वीक फील करने लगती है और मरते मरते बचती है। तभी उसको एक आइडिया आता है जिससे वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज से बाहर निकल सकती है। दरअसल कैसी को अपनी एक दोस्त से पता चला है कि आर्मी ऑफिसर्स के स्पाउसेस को स्पेशल मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है और इसलिए कैसी अपने दोस्त फ्रैंकी से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात दोबारा ल्यूक से हो जाती है, जो कुछ दिन फ्रैंकी के साथ उसी के घर पर रह रहा है। कैसी फ्रैंकी को अपनी बीमारी के बारे में बताती है। कैसी चाहती है कि फ्रैंकी उससे शादी कर ले। शादी के बाद उन दोनों को स्पेशल मेडिकल अलाउंस के साथ साथ और भी कई बेनिफिट्स मिलेंगे जो वो आपस में स्प्लिट कर लेंगे, इससे दोनों का ही फायदा होगा। फ्रैंकी कैसी की हेल्प तो करना चाहता है पर वो उससे शादी नहीं कर सकता है क्योंकि फ्रैंकी की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। ल्यूक भी कैसी और फ्रैंकी की कॉन्वर्जेशन सुन लेता है
और कैसी को वॉर्न करता है कि जो कैसी सजेस्ट कर रही है वो एक तरह का फ्रॉड है और इसके लिए कैसी या फ्रैंकी को जेल भी हो सकती है। ल्यूक को सबके बारे में इसलिए पता है क्योंकि उसके डैड एक रिटायर्ड मिलिट्री पुलिस ऑफिसर हैं। फिर हम देखते हैं कि ल्यूक की भी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। दरअसल मिलिट्री ज्वाइन करने से पहले ल्यूक एक ड्रग एडिक्ट था और उसको अभी भी अपने डीलर जॉनो को $15,000 की रकम वापस देनी है जो उसने जॉनो से उधार ली थी। एक दिन जब ल्यूक रनिंग कर रहा होता है तो जॉनो उसका रास्ता रोकता है और उससे अपने पैसे वापस मांगता है। ल्यूक कहता है कि वो जल्द से जल्द कोई ना कोई इंतज़ाम करके उसको उसके पैसे लौटा देगा। जॉनो ल्यूक को धमकी भी देता है कि अगर ल्यूक ने उसके पैसे नहीं दिए तो जॉनो ल्यूक की फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जॉनो की धमकी के बाद ल्यूक अपने भाई से मिलने जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन उसका भाई पैसे देने से मना कर देता है। उन दोनों भाइयों की कॉन्वर्जेशन से हमें ये भी पता चलता है कि ल्यूक के ड्रग एडिक्शन की वजह से ल्यूक के डैड ने उसको घर से निकाल दिया था और अब वो ल्यूक से बात भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ल्यूक ने तो अपने डैड को अपने मिलिट्री ज्वाइन करने के बारे में भी नहीं बताया है। अब क्योंकि ल्यूक को पैसों की ज़रूरत है और उसके पास कोई और चारा नहीं बचा है, इसलिए वो कैसी के साथ एक मीटिंग सेटअप करता है और उसको फेक मैरिज का ऑफर देता है। मैरिज के बाद ल्यूक की सैलरी भी बढ़ जाएगी और वो जॉनो का उधार जल्द से जल्द चुका पाएगा। ल्यूक और कैसी प्लान करते हैं कि वो एक साल तक फेक मैरिज का नाटक करेंगे और जब उन दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर जाएगी तो वो दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। ल्यूक कैसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसको पैसों की ज़रूरत है इसलिए वो ल्यूक के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। ल्यूक कैसी को बताता है कि कुछ दिन बाद वो अपनी आर्मी ड्यूटी के लिए इराक चला जाएगा, इसलिए उन दोनों को उसके इराक जाने से पहले शादी करनी होगी। इसके बाद ल्यूक जॉनो को कुछ पैसे देने जाता है। जॉनो पूरी पेमेंट की डिमांड करता है तो ल्यूक उसको अपने कैसी से शादी करने वाले प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि शादी के बाद उसकी सैलरी बढ़ जाएगी और वो जॉनो के पूरे पैसे चुका देगा। फिर कुछ दिन बाद ल्यूक और कैसी शादी कर लेते हैं। वेडिंग रिंग के लिए फ्रैंकी कैसी को वो रिंग दे देता है जो वो अपनी गर्लफ्रेंड राइली को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए लाया था। कैसी वो रिंग एक्सेप्ट करने से मना करती है तो फ्रैंकी कहता है कि अपने डाइवोर्स के बाद कैसी वो रिंग फ्रैंकी को वापस कर सकती है, पर आज कैसी का स्पेशल डे है इसलिए कैसी को वो रिंग एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। शादी के बाद सेलिब्रेशंस के लिए ल्यूक और कैसी ल्यूक के दोस्तों के साथ लंच पर जाते हैं, जहां कैसी का दोबारा ल्यूक के एक दोस्त से आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि वो सोल्जर किल द अरब्स का स्लोगन शाउट करता है जो कैसी को रेसिस्ट लगता है। उन दोनों की लड़ाई देख के ल्यूक गुस्सा हो जाता है और टेबल से उठ के बाहर चला जाता है। फ्रैंकी कैसी को ल्यूक के पीछे उसको मनाने जाने का इशारा करता है, पर जब कैसी ल्यूक को मनाने जाती है तो ल्यूक और उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि उन दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। ल्यूक को लगता है कि कैसी अपने आप को उन लोगों से सुपीरियर समझती है और हर बात पर आर्मी मैन को जज करती है। ल्यूक कहता है कि उसके दोस्त ने वो स्लोगन ऐसे ही जोश में बोला था, उसका मतलब लिटरली सारे अरब्स को मारने का नहीं था, लेकिन कैसी ने इतनी सी बात का पतंगर बना दिया। तभी ल्यूक नोटिस करता है कि उसके दोस्त भी कैसी और उसकी फाइट देख रहे हैं, इसलिए वो और कैसी गले मिलने का झूठा नाटक करते हैं ताकि किसी को उनकी फेक मैरिज पर शक ना हो। नेक्स्ट डे ल्यूक को अपनी इराक पोस्टिंग के लिए निकलना होता है, इसलिए रात बिताने के लिए ल्यूक और कैसी एक होटल में जाते हैं जहाँ सारे आर्मी के मैरिड कपल सोते हैं। अपनी पोस्टिंग को लेकर ल्यूक थोड़ा नर्वस होता है और कैसी के सामने एडमिट करता है कि उसको अपनी पहली पोस्टिंग को लेकर बहुत डर लग रहा है। कैसी को उस पर तरस आता है और वो उसको कंफर्ट करती है एंड देन दे गेट इंटीमेट, लेकिन नेक्स्ट डे ल्यूक ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर कैसी ल्यूक को सी ऑफ करने जाती है और सबके सामने वो दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल की एक्टिंग करते हैं। ल्यूक कैसी को एक पेपर देता है जिस पर उसके भाई का नाम और पता लिखा होता है। ल्यूक चाहता है कि अगर ड्यूटी के दौरान उसको कुछ हो गया तो कैसी उसके भाई को इन्फॉर्म कर दे, लेकिन ल्यूक की फैमिली को उनकी फेक मैरिज के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली ल्यूक के डैड को। इसके बाद कैसी और ल्यूक एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं
और ल्यूक अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। कैसी भी अपनी सिंगिंग पर कॉन्सेंट्रेट करने लगती है क्योंकि अब उसको अपने मेडिकल बिल्स की इतनी टेंशन नहीं है। इसी बीच ल्यूक और कैसी ईमेल्स, मैसेजेस और वीडियो चैट्स के थ्रू एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि वो ल्यूक के दोस्तों के सामने फेक कपल की एक्टिंग करते रहें और किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन कुछ मैसेजेस में वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं, जैसे कि कैसी ल्यूक को बताती है कि वो बचपन से एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी और उसका सपना है कि वो अपने बैंड के साथ दुनिया के हर शहर में कॉन्सर्ट करे। बचपन में कैसी के डैड कैसी और उसकी माँ को छोड़ के चले गए थे, तब से कैसी की माँ ने ही अकेले कैसी को पाल पोस के बड़ा किया है। ल्यूक कैसी को बताता है कि वो एक थर्ड जनरेशन आर्मी ऑफिसर है। ल्यूक के दादा और पिता भी आर्मी में थे, यहाँ तक कि ल्यूक के डैड को तो सर्विस के दौरान पर्पल हार्ट नाम का एक मेडल भी मिला था जो कि उन सोल्जर्स को मिलता है जो आर्मी सर्विस के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं। जब ल्यूक हाई स्कूल में था तो उसकी मॉम की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, जिस वजह से ल्यूक कुछ गलत रास्ते पर चला गया था और उसके डैड ने उसको घर से निकाल दिया था। पहले तो ल्यूक को लगता था कि उसने आर्मी ज्वाइन करने का डिसीजन इसीलिए लिया ताकि वो अपने डैड की रिस्पेक्ट वापस हासिल कर सके, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ल्यूक को समझ आया कि वो आर्मी खुद के लिए ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ करना चाहता है। ल्यूक ये भी बताता है कि उसको रनिंग करना अच्छा लगता है और वो भी पूरी दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन दुनिया के हर शहर की मैराथन्स में पार्टिसिपेट करके। एक दिन ल्यूक और कैसी वीडियो चैट कर रहे होते हैं जिसमें ल्यूक को पता चलता है कि कैसी ने ल्यूक के कुछ वर्ड्स से इंस्पायर्ड होकर एक गाना कम बैक होम लिखा है। ल्यूक और उसके दोस्त कैसी को वो गाना गाने को कहते हैं, लेकिन वो गाना भी पूरा नहीं हुआ है। इससे कैसी कहती है कि वो सॉन्ग तब सुनाएगी जब वो सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब कैसी ल्यूक से वीडियो चैट करती है तो उसको पता चलता है कि पिछले कुछ दिन उन सोल्जर्स के लिए बहुत टफ थे और उन्होंने अपने कई जवानों को खो दिया। उन लोगों का मूड चीयर अप करने के लिए कैसी उनको अपना सॉन्ग सुनाती है जो उसने अब कंप्लीट कर लिया है। वो सॉन्ग बहुत अच्छा होता है और उसको सुन के सभी सोल्जर्स इमोशनल हो जाते हैं। ल्यूक कैसी को टीज करता है कि अगर वो सॉन्ग ल्यूक से इंस्पायर्ड है तो ल्यूक तो कैसी का म्यूज हुआ ना। फिर हम देखते हैं कि कैसी का लिखा वो गाना वायरल हो जाता है, जिस वजह से कैसी और उसका बैंड बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और उनको कई स्टेज शोज करने के ऑफर्स मिलते हैं। एक दिन कैसी अपने बैंड के साथ अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रही होती है कि तभी उसको आर्मी से कॉल आता है कि सर्विस के दौरान ल्यूक को चोट लग गई है और इस समय उसकी जर्मनी में लेग सर्जरी चल रही है। जल्द ही ल्यूक को रिकवरी के लिए अमेरिका वापस भेज दिया जाएगा। कैसी को लगता है कि उसको ये इन्फॉर्मेशन ल्यूक के भाई के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए वो ल्यूक के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसको ल्यूक के डैड मिलते हैं। ल्यूक ने कैसी को उसके डैड को उनकी मैरिज के बारे में बताने से मना किया था, लेकिन मजबूरन कैसी को ल्यूक के डैड को बताना पड़ता है कि वो ल्यूक की वाइफ है और ल्यूक को मिलिट्री सर्विस के दौरान चोट लग गई है। जब ल्यूक अमेरिका वापस आता है तो उसकी फैमिली और कैसी उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। अपने डैड को वहाँ देख के ल्यूक थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसके डैड उसको लेके बहुत कंसर्न होते हैं और कहते हैं कि ल्यूक को उनको बताना चाहिए था कि उसने आर्मी ज्वाइन कर ली है। जब ल्यूक और कैसी अकेले होते हैं तो ल्यूक कैसी पर गुस्सा करता है कि उसको ल्यूक के फादर को उनकी मैरिज के बारे में नहीं बताना चाहिए था। उसके डैड एक रिटायर्ड मिलिट्री पुलिस ऑफिसर हैं और अगर उनको ल्यूक और कैसी की फेक मैरिज की जरा सी भी भनक लगी तो वो उन दोनों को जेल करवा देंगे। ल्यूक से कैसी को ये भी पता चलता है कि एक मिशन के दौरान फ्रैंकी शहीद हो गया था। ये न्यूज़ सुन के कैसी को बहुत दुख होता है और वो कुछ दिन बाद ल्यूक के साथ फ्रैंकी की फ्यूनरल अटेंड करती है। वहाँ पर फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड राइली भी होती है, जिसको कैसी फ्रैंकी की रिंग दे देती है क्योंकि फ्रैंकी ने वो रिंग राइली के लिए ही खरीदी थी। अब क्योंकि ल्यूक के पास अपना कोई घर नहीं है, इसलिए वो कैसी के साथ उसके घर पर ही रहने लगता है। वो दोनों उस घर को ऐसे डेकोरेट कर देते हैं ताकि सबको यही लगे कि वो दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं, क्योंकि हफ्ते में दो बार ल्यूक के डैड वहाँ आते हैं ल्यूक को थेरेपी के लिए हॉस्पिटल ले जाने।
कैसी ल्यूक को एक पेट डॉग भी गिफ्ट करती है क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था कि इससे पेशेंट की रिकवरी में हेल्प होती है। पहले तो ल्यूक वो डॉग लेने से मना कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि कैसी उस पर तरस खा रही है, लेकिन कैसी कहती है कि वो तो बस ल्यूक की हेल्प करना चाहती है। और ल्यूक को समझना चाहिए कि दूसरों की हेल्प लेने से ल्यूक नीचा नहीं हो जाएगा। कैसी और ल्यूक को पहले कुछ हफ्ते तो एक साथ रहने में प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उन दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच तालमेल बैठने लगता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगने लगता है। थेरेपी की वजह से ल्यूक की कंडीशन भी इम्प्रूव होने लगती है। ऐसा लगता है कि ल्यूक और कैसी की लाइफ में अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर ल्यूक की लाइफ में जोनो नाम की प्रॉब्लम वापस आ जाती है। अब क्योंकि ल्यूक का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वो कुछ टाइम से जोनो को वीकली पेमेंट नहीं दे पा रहा था, और इसी वजह से जोनो ल्यूक को डराने के लिए कैसी की मॉम के घर पर अटैक करवाता है और ल्यूक को धमकी देता है कि अगर ल्यूक ने उसके पैसे जल्दी वापस नहीं दिए तो वो सबको ल्यूक और कैसी की फेक मैरिज का सच बता देगा। जोनो की इस हरकत का बदला लेने के लिए ल्यूक नेक्स्ट से जोनो की पिटाई करता है और उसका सारा उधार चुका देता है जो उसने जोनो से बोरो किया था। ल्यूक कहता है कि अब उसने अपना सारा उधार चुका दिया है और अगर अब जोनो ने उसको या उसकी फैमिली को हार्म करने की कोशिश की तो ल्यूक जोनो को नहीं छोड़ेगा। ल्यूक को लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जोनो कैसी की मॉम के सामने ल्यूक और कैसी की फेक मैरिज का सच उगल देता है और कैसी को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम के घर पर जो अटैक हुआ था वो ल्यूक के कारण हुआ था और ल्यूक ने ये बात कैसी से छुपाई। कैसी ल्यूक पर इस बात को लेकर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि ल्यूक की वजह से कैसी की मॉम की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई और ऊपर से ल्यूक ने कैसी से झूठ बोला। ल्यूक उसको बताता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद वो एक डार्क फेज में चला गया था और उसने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था। जोनो उसका ड्रग डीलर था। एक दिन ल्यूक ने अपने डैड की गैराज से एक क्लासिक कार चोरी कर ली जो उसके डैड एक कस्टमर के लिए बना रहे थे। ल्यूक ने सोचा था कि वो उस कार को बेच देगा ताकि उसको ड्रग्स खरीदने के लिए कुछ पैसे मिल पाएं, लेकिन नशे में ल्यूक ने वो कार ठोक दी। जब उसके डैड को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ल्यूक को धमकी दी कि अगर ल्यूक ने उस कार के पैसे नहीं भरे तो वो उसको पुलिस में पकड़ा देंगे। इससे ल्यूक ने जोनो से पैसे उधार लिए थे। कैसी कहती है कि यही रीज़न था जिस वजह से ल्यूक ने उससे शादी करी थी। ल्यूक उसको समझाने की कोशिश करता है कि अब वो क्लीन है और कोई ड्रग्स नहीं लेता है। उसने जोनो के सारे पैसे भी चुका दिए हैं और अब जोनो उनको कभी तंग नहीं करेगा, अब वो अपनी लाइफ पीसफुली जी सकते हैं। लेकिन कैसी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती और उससे डाइवोर्स मांगती है। वो कहती है कि वो दो दिनों के लिए अपने एक कॉन्सर्ट के लिए शहर से बाहर जा रही है और वो एक्सपेक्ट करती है कि उसके वापस आने तक ल्यूक उसके घर से चला जाएगा क्योंकि अब वो ल्यूक के साथ ये फेक मैरिज का ड्रामा और नहीं कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि जब कैसी अपने कॉन्सर्ट पर होती है तो उसको ल्यूक के डैड का कॉल आता है। वो उसको बताते हैं कि जोनो ने आर्मी बेस में जाके ल्यूक और कैसी की फेक मैरिज की कंप्लेंट लिखवाई है जिस वजह से ल्यूक को आर्मी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि ल्यूक और कैसी ने वो फेक मैरिज एक्स्ट्रा आर्मी बेनिफिट्स पाने के लिए की थी। ल्यूक के डैड कैसी से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि उन दोनों की शादी फेक थी। कैसी कहती है कि ये सच तो है पर पूरा सच नहीं है। कैसी के जवाब से ल्यूक के डैड डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं कि उनको लगा था कि कैसी का साथ ल्यूक को बेहतर बना रहा है पर वो गलत थे। कुछ दिन बाद आर्मी कोर्ट में ल्यूक के केस की हियरिंग होती है। कैसी भी वो हियरिंग अटेंड करने जाती है। कैसी को बचाने के लिए ल्यूक सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है कि उसने ही कैसी को वो शादी करने के लिए मैनिपुलेट किया था ताकि ल्यूक को एक्स्ट्रा आर्मी बेनिफिट्स मिल पाएं। कैसी को तो पता भी नहीं था कि ल्यूक उससे इस पर्पस के लिए शादी कर रहा है। अब क्योंकि ल्यूक खुद ही अपना गुनाह मान लेता है तो ल्यूक को एज अ पनिशमेंट आर्मी से निकाल दिया जाता है और 6 महीने की सज़ा भी मिलती है। ल्यूक के डैड को ल्यूक पर बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि ल्यूक ने कैसी को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। अब क्योंकि कैसी एक सिविलियन है तो उसका केस सिविल कोर्ट में रेफर होता जिस वजह से कैसी की बहुत बदनामी होती और उसका म्यूज़िक करियर भी ख़राब हो सकता था।
इसलिए लूक ने आर्मी कोर्ट में झूठ बोल के उन दोनों की फेक मैरिज का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। नेक्स्ट डे अपने डैड के घर पर ल्यूक जेल जाने के लिए रेडी होता है तो देखता है कि आर्मी की तरफ से उसको भी पर्पल हार्ट मेडल मिला है क्योंकि वो भी अपनी सर्विस के दौरान इंजर्ड हुआ था। ल्यूक को लगता था कि उसके मिसकंडक्ट की वजह से शायद आर्मी उसका मेडल कैंसिल कर देगी। इसके बाद ल्यूक की फैमिली उसको आर्मी प्रिजन तक छोड़ने जाती है। उसके डैड कहते हैं कि उनको ल्यूक पर बहुत प्राउड है और ल्यूक जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा। उसी दिन कैसी का एक बड़ा स्टेज शो भी होता है। स्टेज पर जाने से पहले कैसी अपनी और ल्यूक की वेडिंग सेरेमनी की वीडियो देखती है जो फ्रैंकी ने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड की थी। उस वीडियो को देख के कैसी बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो स्टेज पर जाके अपना सॉन्ग परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस के दौरान कैसी को रियलाइज़ होता है कि वो ल्यूक से बहुत प्यार करने लगी है और इसीलिए अपने शो के बाद कैसी ल्यूक से मिलने जाती है ताकि वो ल्यूक को अपने दिल की बात बता सके। वो टाइम पर आर्मी जेल पहुंच जाती है और ल्यूक से अपना लव कन्फेस करती है। ल्यूक भी उसको आई लव यू बोलता है और वो दोनों अपनी फेक मैरिज को रियल बना देते हैं। कैसी कहती है कि वो ल्यूक के जेल से बाहर निकलने का वेट करेगी एंड देन दे विल कंटिन्यू देयर लव स्टोरी। फिर हम एक टाइम लीप देखते हैं। 6 महीने बाद ल्यूक जेल से बाहर आ जाता है और कैसी और ल्यूक खुशी खुशी अपनी मैरिड लाइफ जीने लगते हैं। उन दोनों की लव स्टोरी की बिगनिंग ज़रूर नफरत से हुई थी और उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी पैसों के लिए की थी, लेकिन एक साथ रहते रहते उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उनकी फेक मैरिज रियल बन गई और वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये मूवी बहुत ही स्वीट और ब्यूटीफुल है। सॉन्ग्स भी बहुत कैची हैं, लेकिन इस मूवी की USP है इस मूवी के लीड पेयर कैसी और ल्यूक की केमिस्ट्री। हाँ, कई लोगों को लग सकता है कि ये मूवी मिलिट्री प्रोपोगंडा प्रमोट कर रही है, पर आई गेस इट डिपेंड्स कि आप इस मूवी को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर आप लोगों को मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।